मैं कुछ न्यू प्लान कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो हम लोग मतलब भूल ही गए थे इस बार, किसी को याद ही नहीं था। उनसे मन एकदम ना ऐसे उतर सा जाता है कि उसके बाद फिर हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज भी मैं चंपू लग रही हूँ कल की तरह। बात तो सही है। ताला डालो ऐसे देखने के, क्या आप रोज रोज मेकअप करके आए क्या? अगर करती भी हूँ तो खाली मेरी लिप टिक लग जाती है, यानी कि लिपस्टिक और क्या लग जाता है, काजल लग जाता है। बस मेकअप के नाम पे मुझे केवल इतना ही आता है और कुछ नहीं आता। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तभी बज रहा है शाम के 4 और मैं छत पर आ गई हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 2-3 महीने के बाद से मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, तो उसको शुरू करेंगे। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहती हूँ। अबे जल्दी बोल। उसको शुरू करने से पहले ना आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा, है ना? क्या करना है? बस आपको मेरा चैनल खोलना है और चैनल में से किसी एक वीडियो को देखनी है, और आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। तो जो भी आपको वीडियो पसंद आया वो देखो और उसको अपने फैमिली एंड रिलेटिव्स में और फ्रेंड्स में शेयर करो, और उनसे ये कहो कि इन देवी जी का चैनल जो है सब्सक्राइब कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? बस और कुछ नहीं करना। तो मतलब मेरे अगर 500 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो जो मैंने आपसे वादा किया है मैं उसे कम्प्लीट कर दूँगी। तो ये कर दो जल्दी से। आप लोगों से 2-3 महीने का ब्रेक मैंने क्यों मांगा था वो आपको अब पता चल गया होगा। वो केवल मैंने इसलिए मांगा था क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर शिफ्टिंग करनी थी और बहुत सारा काम था। मेरा सोचना ये था कि जो मैं नई चीज़ शुरू करने वाली हूँ उसे मैं नए सिरे से शुरू करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा था कि जब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो सब नया नया सा सब कुछ शुरू करेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों से 2-3 महीने का ब्रेक मांगा था। तो जल्दी से आप लोग 500 सब्सक्राइबर्स पूरा करो और मैं अपने काम को चालू करूँ। सपोर्ट करो अपना। और अगर पता है लाइफ में ना इतने ख़राब लोग होते हैं कि इतना अच्छा होने का इतना ढोंग करते हैं, और उनकी जो असलियत होती है ना वो आपको बाद में पता चलती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ है कि मुझे भी कुछ लोगों की असलियत बहुत बाद में पता चली है, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी। और मैं सोचती हूँ कि यार मैं क्या ही बोलूँ लोगों से, फालतू में क्यों बात बढ़ाऊँ, नहीं बोलते चलो रहने दो हटा दो। लेकिन उनसे मन एकदम ना ऐसे उतर सा जाता है कि उसके बाद फिर उनकी तरफ सच में देखने का मन भी नहीं करता है। लेकिन बुरा लगता है जब कोई अपनी ऐसे औकात दिखाता है, मतलब हम किसी पर इतना भरोसा करो और फिर वो हमारा विश्वासघात करे तो फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी औकात दिखाई है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स क्या टट्टी हैं। चलो इन लोगों को साइड हटाते हैं, इन लोग के बारे में बात नहीं करते हैं और अपना दिल खराब नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे लोग हैं तो इग्नोर करो यार, इग्नोर करना ही सबसे बेटर चीज़ है। और इग्नोर करोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे, या तो 2-4 सुना दो या तो इग्नोर ही कर दो। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं, यूट्यूब पर बता रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी डालते हैं, मतलब खाना बना रहे हैं ऐसे। तो मैंने 2 दिन पहले मैंने भी डाला हुआ था। मतलब वो लोग घर का काम करते हुए दिखाते हैं कि आज हमने ये बनाया गाइस, आज हमने ये किया वो किया। फिर ऐसे लोगों के चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, मतलब लाख में होते हैं, मिलियंस में होते हैं, व्यूज़ भी अच्छे खासे मिलते हैं। मेरे में इतने व्यूज़ भी नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि टाइम दिया करो। अब तो मैं टाइम देना भी शुरू कर रही हूँ, कुछ ना कुछ मैं भी चैनल पर डाल रही हूँ। तो अभी तो खैर मैं बोर कर रही हूँ तो मुझे पता ही है। सही पकड़े हैं। मैं कुछ न्यू प्लान कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही मैं शुरू कर दूंगी। जल्दी करो 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। और मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम लोग मेरा चैनल खोलो ना तो एकदम हंसते हुए खिलखिलाते हो जाओ। जैसे मैं हंसती रहूँगी ना वैसे तुम लोग को भी हंसाती रहूँगी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ढेर सारा सपोर्ट करो। और हम लोग इतने ज़्यादा बिजी थे कि हम लोग ना सोने की वैक्सीन लगनी थी 26 को, तो हम लोग मतलब भूल ही गए थे इस बार, किसी को याद ही नहीं था कि सोने को वैक्सीन लगनी है। तो दिदो को याद आया कल ही, और फिर तुरंत ही कहा गया कि चलो आज वैक्सीन लगवा लेंगे। तो आज सोने की वैक्सीन लगी है और मैं उसको देख नहीं पाई हूँ अभी तक। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है मेरे सोने की। आई होप कि मैं जल्दी मिलूँ और जल्दी देखूँ। तो अभी बात हुई थी दीदी से तो दीदी बता रही थी कि वो बहुत रो रहा था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जब वैक्सीन वगैरह लगती है। तो जल्दी मिलेंगे सोने तुमसे।